स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबसे पहला भाग है, प्रमुख भाग है, जिसको हम नाउन कहेंगे, उसके बारे में। तो आइए देखते हैं विस्तार से कि नाउन क्या है और किस तरीके से हम पहचान पाएंगे कि सचमुच में नाउन क्या है। तो देखिए, इसमें मैंने नाउन, जिसका हिंदी में अर्थ होगा संज्ञा, और इसमें लिखा हुआ कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था या कार्य को प्रकट करने वाले शब्द को नाउन कहते हैं। अक्सर आपने ये परिभाषा सुना होगा, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड नाउन। अक्सर लोग ये बात करते हैं तो केवल एक बात ये आ जाती है, दिमाग में बनता है कि अगर किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तीन लोगों की बात आती है कि भाई कोई व्यक्ति हो, अथवा मान लीजिए वस्तु हो, या फिर समान हो, स्थान हो, तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अमूमन ऐसा लोग परिभाषाएं देते हैं और कहते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें गुण भी आ सकता है, इसमें अवस्था भी आ सकता है, इसमें बहुत सारी चीजें आ सकते हैं, लेकिन यहाँ ये समझने की बात है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था या कार्य को प्रकट करने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। लेकिन यहाँ एक बात और भी समझना है कि चाहे कोई भी शब्द हो, मतलब चाहे कोई भी चीज हो, हर एक चीजों का कुछ न कुछ नाम जरूर रखा गया है, तो किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कह सकते हैं। इस प्रकार शॉर्ट में हम इसको यह भी कह सकते हैं, द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, ऐसा भी कह सकते हैं। तो जैसे हमने कुछ लिखा हुआ है इसमें, जैसे मान लीजिए व्यक्तियों का नाम, तो व्यक्तियों के नाम में आप देख रहे हैं जैसे राम है, सीता है, सरला है, संजना है, रमेश है, स्वामीनाथ है, इटीसी। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी इंसान का नाम अगर आता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये नाउन है। तो इसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि जैसे व्यक्ति का नाम, यानी कि एक तरह से व्यक्तियों का नाम इसमें आ गया। दूसरा, वस्तु का नाम, अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए बुक है, पेड़ है, चेयर है, टेबल है, और बैग हुआ, बाइसाइकिल हुआ, फिर कप हुआ, ये सब वस्तु है। इसी प्रकार स्थान का नाम, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या दिल्ली जिसको कहेंगे अंग्रेजी में, तो आदि को हम कह सकते हैं कि यह भी नाउन है। और गुणों का नाम अगर आता, जैसे गुडनेस है, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, विजडम है, सिविलाइजेशन है, जैसे मान लीजिए सभ्यता है, जैसे बहादुरी है, अच्छाई है, तो ये भी आपका एक नाउन हुआ। इसी प्रकार आपका आता है अवस्था का नाम, जैसे चाइल्डहुड, बॉयहुड, पॉवर्टी और फिर स्लेवरी है, जैसे बचपना हुआ, आपका गरीबी हुआ, अमीरी हुआ, ये सब भी नाउन का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार कार्य का नाम, जैसे वर्क है, थेट है, जैसे कोई काम है, थेट माने चोरी हुआ, लाफ्टर हुआ, चॉइस हुआ, स्माइलिंग हुआ, क्राइंग हुआ, ये सब भी नाउन है। तो अब यहाँ पर क्या इतना ही नाउन है, और भी नाउन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए नदियों का नाम आ जाए तो नाउन है, पहाड़ों का नाम आ जाए तो नाउन है, जैसे मान लीजिए हवा हो गया, पानी हो गया, तो इसका भी एक नाम हुआ कि हवा जो है एक नाम रखा गया है, पानी एक नाम रखा गया है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कोई भी चीजों का, कुछ भी चीज हो, उसका कुछ न कुछ नाम जरूर रखा गया है, और नाम जिस नाम से पुकारा जा रहा है, तो इसी नाते वह नाउन कहलाएगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो है नाउन कुछ भी बन सकता है। जैसे मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे, अब एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि नाउन के बाद एक शब्द आएगा प्रोनाउन, उसके बाद फिर आएगा मान लीजिए वर्ब। तो अब इसमें यह देखना है कि अगर पूछा जाए प्रोनाउन क्या है, तो सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि प्रोनाउन जो कि नाम रखा गया है, इसलिए प्रोनाउन भी एक प्रकार का नाउन हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से सबसे पहले देखा जाए वर्ब क्या है, तो इसमें यह नहीं पूछा जा रहा है, अक्सर लोग पूछते हैं कि वर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो फट से लोग क्या करते हैं, उसका डेफिनेशन देने लगते हैं, परिभाषा देने लगते हैं। जब ये कहा जाए डिफाइन अबाउट प्रोनाउन, डिफाइन अबाउट नाउन, तब आप जो डेफिनेशन दीजिए। यहाँ ये पूछा जा रहा कि प्रोनाउन क्या है, सबसे पहले तो ये कहिए कि नाउन क्या है, तो नाउन भी एक नाउन है, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन भी एक नाउन है, वर्ब क्या है, वर्ब भी एक नाउन है, एडजेक्टिव क्या है, वो एडजेक्टिव भी एक नाउन है। क्यों है, क्योंकि ये सब उसका नाम रखा गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि द नेम ऑफ एनीथिंग एल्स, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका कुछ ना कुछ नाम रखा गया हो, और यदि कोई भी नाम रखा गया है तो इस नाते वो नाउन होगा। ऑल थिंग्स आर नाउन वेदर इट इज एनिमेट आर इन एनिमेट, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, हर एक चीजों का नाम रखा गया है।
तो इसलिए वो नाउन होंगे। जैसे मान लीजिए आकाश हुआ, जैसे मान लीजिए पृथ्वी हुआ, जैसे वायु हुआ, यानी हर एक चीजों को आप नाउन कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको नाउन क्या है इसका जो परिचय है आप समझ गए होंगे। अब प्रश्न ये आता है कि हम इसको थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसमें अब एक बात आती है काइंड्स, इसके प्रकार के बारे में कि नाउन कितने प्रकार के हैं। तो अमूमन विद्वानों ने इसे मुख्य रूप से पांच प्रकार से बनाया हुआ है। जैसे मान लीजिए नाउन को उनके गुणों के आधार पर निम्न पांच प्रकार से बांटा गया है। तो ये पांच तरह के नाउन कौन कौन से हैं ये जानना जरूरी है। तो अब इसमें एक पॉइंट मैं और कहना चाहूंगा कि ये पांच तरह के नाउन जरूर हैं, लेकिन इसके बाद फिर भी अब एक इसका सब क्लासिफिकेशन आ गया है कि सभी पांच तरह के नाउन्स को भी एक उपवर्ग के रूप में बांट दिया गया है। जो आगे आप स्टडी करेंगे तो उसमें जो है एक तरह से आपका काउंटेबल नाउन आएगा, फिर अनकाउंटेबल नाउन आएगा, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये समझिए कि नाउन के उनके गुणों के आधार पर हम निम्न पांच प्रकार से नाउन को डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और उसमें कौन कौन से हैं, जैसे पहला आपका है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा आपका कलेक्टिव नाउन है, चौथा आपका मटेरियल नाउन है, पांचवा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिनको हिंदी में क्रमशः आप कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, फिर समूहवाचक संज्ञा, फिर आपका पदार्थ, या इसको आप कह सकते हैं एक तरह से धातुवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, और फिर आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम कहेंगे हिंदी में भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर मैंने आपको संज्ञा यानी नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन एंड इट्स काइंड, और इसके प्रकार के बारे में अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब आप इनको विस्तार पूर्वक एक एक करके आगे देखेंगे। तो अब आप देखिए इसमें सबसे पहले नंबर एक आपका है प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें यह लिखा हुआ है कि जैसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आना चाहिए। बात यह कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो और वो विशेष हो, तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए तुलसीदास हैं, अकबर हैं, गंगा हुआ आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए यमुना लिखा है, तो ये जो है तुलसीदास और अकबर व्यक्तियों का नाम है, ये मान लीजिए आपका एक तरह से वस्तु में आ जाएगा। फिर आपका लखनऊ जैसे हो गया, आगरा हो गया, ये आपका एक तरह से स्थान का नाम आ रहा है। जैसे हिंदी और इंग्लिश, ये भी आपका एक तरह से वस्तु में आ जाएगा। तो ये कहा जा रहा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आना चाहिए, उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। प्रॉपर नाउन की एक सबसे बड़ी और भी विशेषता है, और वो विशेषता क्या है, उसमें आप देखिए नोट लिखा हुआ कि ऐसे नाउन का बहुवचन नहीं बनता है तथा इनका पहला अक्षर सदैव कैपिटल लिखा जाता है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर नाउन वे हैं जो सचमुच में जिनका हम बहुवचन नहीं बना सकते। जैसे तुलसीदास हैं, अकबर हैं, तो इनका हम बहुवचन नहीं बनाते। जैसे मान लीजिए आपका यमुना गंगा है, इसका बहुवचन नहीं बनता है। लखनऊ आगरा हुआ, गोरखपुर हुआ, कानपुर हुआ, इनका बहुवचन आप नहीं बना सकते। तो ये मेन चीज है इसकी सबसे बड़ी विशेषता कि इनको हम बहुवचन यानी प्रॉपर नाउन को बहुवचन में नहीं बदल सकते हैं, प्लूरल नहीं बना सकते, और दूसरी बात है इसका प्रथम अक्षर जो रहेगा वो कैपिटल लिखा जाएगा। ये सबसे बड़ी मूल पहचान है। अब आप आइए नंबर दो, कॉमन नाउन के बारे में, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा का क्या मतलब हुआ, जैसे किसी एक जाति या वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आना चाहिए। इसमें भी व्यक्ति का नाम आ रहा है, वस्तु का नाम आ रहा है, स्थान का नाम आ रहा है, लेकिन इसमें एक जाति की बात कर रहा है। जाति का मतलब क्या हुआ, एक जाति या वर्ग के बारे में बतला रहा है। कहने का अभिप्राय ये है कि कॉमन नाउन वे नाउन है जिससे किसी जाति का बोध हो, मतलब किसी एक वर्ग का बोध हो, इस तरह से इसमें समझाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपका जैसे किंग है, तो और इसी प्रकार क्वीन है, जैसे डॉक्टर है, स्टूडेंट है, जैसे सिटी हुआ, टाउन हुआ, विलेज हुआ। तो यहाँ आप देख रहे हैं जैसे टाउन है, सिटी हुआ, विलेज हुआ, ये स्थान है। और दूसरी बात जैसे बुक है, मान लीजिए टेबल है, ये आपका क्या नाम है, वस्तु है। जैसे बॉय हुआ, गर्ल हुआ, ये आपका जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति में आ रहे हैं। डॉग और काउ जैसे हुआ, एक जानवर में आ रहा, सजीव है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें ये कहा जा रहा कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए, लेकिन मतलब एक किसी वर्ग का बोध कराए। जैसे मान लीजिए बॉय यानी कि बॉय यानी लड़कों का एक वर्ग हो गया, लड़कियों का एक वर्ग हो गया, जैसे डॉग माने कुत्ते का एक वर्ग हुआ, काऊ मतलब गाय के लिए हुआ। इसी प्रकार जैसे डॉक्टर हैं, स्टूडेंट हैं, तो डॉक्टर डॉक्टर का एक जो है वर्ग हो गया, एक तरह से टीचर का वर्ग हो जाएगा, एक तरीके से आप देखिए स्टूडेंट का वर्ग हो जाएगा। यानी कि ऐसा नाम जिससे किसी जाति का या वर्ग का बोध करा रहा हो, मतलब किसी एक प्रकार की जाति का बोध करा रहा हो।
हम जाति का अभिप्राय इससे नहीं ले रहे हैं जो हम लोग कास्ट समझते हैं, उसको आप मत समझिए। कास्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह एक वर्ग या समूह की बात हो रही है। एक ये क्लासिफिकेशन एक तरह से अलग से हो रहा है, एक किसी चीज का विशेष वर्ग का परिचय हो रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। तो इस तरीके से इसको कॉमन नाउन कहेंगे। अब जहां तक तीसरा आपका कलेक्टिव नाउन का सवाल है, तो कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा माने व्यक्तियों या वस्तुओं के समूहों का नाम आना चाहिए। कुछ ऐसे भी नाउन्स बनाए गए हैं जिनसे ये पता चलता है कि जैसे समूह में हो, जैसे मान लीजिए क्लास है, जैसे मान लीजिए फैमिली है, जैसे टीम है, जैसे ग्रुप है। तो ये सब क्या बता रहे हैं, जैसे किसी कुछ लोगों का समूह हो इस तरीके से, तो इसमें व्यक्तियों का भी समूह आ सकता है। अब जैसे मान लीजिए बंच है, ग्रुप्स हैं, अब जैसे मान लीजिए आपका हर्ड हर्ड है, तो इस तरीके से कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो वस्तुओं के समूहों के बारे में समझाता है। अब जैसे मान लीजिए देखिए टीम आपका है, जैसे क्लास है, टीम हुआ, क्लास हुआ, आर्मी हुआ, फैमिली हुआ, तो ये सब व्यक्तियों में आ रहा है। जैसे क्राउड व्यक्तियों में आ रहा, गैंग जो है व्यक्तियों में आ रहा, पार्टी व्यक्तियों में आ रहा, कम्युनिटी जो है व्यक्तियों में आ रहा, क्लास जो है एक तरह से भी देखा जाए तो व्यक्तियों में ही आएगा। इसी में आप चाहें तो ग्रुप लिख सकते हैं, ग्रुप भी आ सकता है। लेकिन यहाँ अगर बंच लिख दिया जाए तो बंच ऑफ कीज होता है, तो उसमें बंच जो आएगा वो चाबियों का गुच्छा जिसे कहेंगे, बंच ऑफ कीज, तो बंच को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, वस्तुओं के लिए होगा। तो फिलहाल यहाँ पर सब व्यक्तियों के लिए लिखा गया है, लेकिन यहाँ वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, उनसे संबंधित रिलेटेड जो नाउन्स होते हैं जो किसी समूह के बारे में बता रहे हो, तो इस तरीके से हम उसको कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं, यानी समूहवाचक संज्ञा, जिससे किसी समूह का ज्ञान हो। अब आप आगे देखिए, नंबर चार पॉइंट है मटेरियल नाउन। इसमें कहा जा रहा कि धातु या पदार्थ वाचक संज्ञा, अर्थात कुछ ऐसे संज्ञा भी होते हैं, ऐसे भी नाउन होते हैं जिनसे किन्हीं धातुओं का बोध होता है, जैसे मान लीजिए आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सब है। और फिर पदार्थवाचक जिसमें खाने पीने की तमाम चीजें आती हैं, जैसे मान लीजिए आपका मिल्क है, राइस है, व्हीट है, ये सारी चीजें हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कोल, वाटर, मिल्क, राइस, हनी, ब्रिक, ETC। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे गोल्ड हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, कोयला हो गया, पानी हो गया, आपका मिल्क दूध हो गया, राइस चावल हो गया, हनी जो आपका शहद है वो हो गया, ब्रिक माने जो ईंटे होते हैं। तो इस तरीके से कोई पदार्थ, यानी कोई न कोई पदार्थ होगा, कोई वस्तु होगी, कोई चीज होगा, मटेरियल्स होगा, उसी को हम मटेरियल नाउन कहेंगे। तो इसमें खाने पीने के भी सामान आ सकते हैं और कोई धातुवाचक संज्ञा भी आ सकता है, यानी कि जिसमें मटेरियल जिसको आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका जो ये आपका जो मार्कर है, तो ये आपका मटेरियल नाउन हुआ मार्कर, क्योंकि इसमें जो है ये वस्तु है, तो इस तरीके से इसमें आ सकता है। तो इस प्रकार से नंबर चार हो गया। नंबर पांच आपका लिखा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, इसमें यह समझने की बात है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के, अब देखिए यहाँ पर भी व्यक्ति या वस्तु की बात आ रही है, उनके गुण, दशा और कार्यों का नाम आता है। इसमें भी बात व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात आ रही है और उनके कार्यों के बारे में बात आ रही है, उनके गुण या दशाओं के बारे में बात आ रही है। अब जैसे मान लीजिए आपका लिखा है ऑनेस्टी, कोई कोई व्यक्ति की ईमानदारी होती है, विजडम बुद्धिमत्ता है, गुडनेस माने भलाई है, लाफ्टर माने हंसी है। अब इसमें बात और समझिए कि जैसे ग्रामर लिखा हुआ है, जैसे म्यूजिक लिखा है, जैसे फिजिक्स लिखा है, केमिस्ट्री लिखा है, ये सब कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको आप भाववाचक संज्ञा कर सकते हैं, क्योंकि इनको हम अनुभव करके इसे समझ पाते हैं कि ये चीज क्या है। अब जैसे मान लीजिए ईमानदारी हुआ, हंसी हुआ, लाफ्टर हुआ, तो इसको हम अनुभव भी करके लिखते हैं या समझते हैं। तो ऐसे स्थिति में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दशा अथवा कार्यों का नाम नाम वाले जो भी नाउन होंगे, उनको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखेंगे। तो एक चीज आपने देखा कि नाउन मुख्य रूप से विद्वानों ने जो पांच प्रकार से बांट दिया है, वो इस तरीके से इसमें दिया हुआ है, हमने आपको समझा दिया है। लेकिन इन पांच नाउन्स में एक चीज कॉमन आपको दिखाई देगा, और वह क्या कॉमन चीज है, मूल रूप से आप देख रहे हैं कि नाउन के बारे में विशेष रूप से जो नाउन्स बन रहे हैं, वह या तो व्यक्ति बन रहे हैं, या तो कोई वस्तु बन रहा है, और या तो कोई स्थान बन रहा है, अथवा कोई कार्य बन रहा है, अथवा कोई दशा बन रहा है, सिचुएशन बन रहा है। तो इस तरीके से मूलतः है, इसीलिए शायद विद्वानों ने यह कहा होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग। मूल रूप से तीन बातें इसमें आती हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आ सकता है, कोई स्थान आ सकता है, अथवा कोई वस्तु आ सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम आप यहाँ देखें जो लिखा हुआ कि जैसे ऑनेस्टी है, विजडम है, गुडनेस है, लाफ्टर है, ग्रामर है, तो ये तो ना तो किसी व्यक्ति का नाम है, ना तो यह किसी स्थान का नाम है, और ना ही तो आपका ये वस्तु है, बल्कि यह एक कार्य में आ रहा है, या आप कह सकते हैं ये दशा या गुण
क्वालिटी के बारे में आ रहा है, क्वालिटी बता रहा है। तो इस तरीके से ये कहना ज्यादा उचित नहीं होगा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहेंगे, बल्कि आप यह भी कह सकते हैं कि उसमें किसी न किसी व्यक्ति के गुण, दशाओं और कार्यों का भी नाम शामिल है। तो इस तरीके से मुझे आशा है कि आपको नाउन जो 5 प्रकार के हैं ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन सा नाउन क्या है और उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो अब मैं यही कहूँगा, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज मैं बना रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, वह उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आप उसका समुचित लाभ भी उठा सकें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।